पलामू जिला के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत चुराट पंचायत के नावा गांव के ग्रामीणों का अभी तक आधार पंजीकरण नहीं हो पाया है। इस नावा गांव में सबसे गरीब परिवार में से बुधन परैया है, जिन्होंने अभी तक प्रयास किया है, कोई फायदा नहीं हुआ है। बुधन परैया के पास मात्र 5 कट्ठा जमीन है, जिसके उपज से लगभग 15 दिनों तक अपने परिवारों को भरण पोषण करा सकता है। बाकी दिनों में वे मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर करता है। इनके परिवार में 8 सदस्य हैं, जो इनके कमाई से जीते हैं, और ये आदिम जनजाति परिवार से आता है, जिनके पास अभी तक आधार पंजीकरण नहीं हुआ है। अब आधार पंजीकरण नहीं होने के कारण बैंकों में खाता नहीं खुल रहा है, आधार पंजीकरण नंबर मांग रहे हैं, आधार पंजीकरण नंबर नहीं रहने के कारण इन्हें रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। आप लोग अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं? फॉर्म अभी तक अप्लाई तो नहीं होला, लेकिन बोलल था कि से एक हफ्ता के बाद फॉर्म मिले, लेकिन फिर प्रयास कर रहे हैं तो मिले की बातें नहीं है। कौन बोले फॉर्म मिलेगा बोल के? मुखिया जी बोले थे। कितना दिन से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? प्रयास तो बहुत दिन से कर किए, दो तीन महीना तक 100-200 आदमी तक आगे पीछे हिटते घूरते रहते थे, और सभी भी मैंने अभी तक फॉर्म नहीं मिला। और ऐसा बुधन परिवार बुधन परैया सैकड़ों लोग हैं, जिन्हें फॉर्म के अभाव में अभी तक आधार पंजीकरण नहीं हो पाया। यह समस्या नावा गांव के ही नहीं है, समस्त चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत सैकड़ों ग्रामीणों को या सैकड़ों लोगों का समस्या ऐसा बना हुआ। तो ब्लॉक जाते हैं तो ब्लॉक तो वहाँ जाते हैं तो सीओ साहब पंचायत सब के पास जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं ऐसे कीजिए तो ऐसे कीजिए, कह के एक दो आदमी के डांट के भगा देते हैं। तो फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो फिर 10-20 आदमी के तो फिर 100-200 आदमी चलते हैं वहाँ। कई बार वीडियो के पास इन्होंने गया, पर वीडियो भी अनसुनी कर दिया। मुखिया के पास गया, मुखिया भी अनसुनी कर दिया। पंचायत सेवक के पास गया, रोजगार सेवक के पास गया, कोई इनका बात को वजन नहीं दिया। तब विवाद होकर के उन्होंने समाज सेवियों को ढूंढने लगा कि समाज सेवी हमें सहयोग कर सकते हैं। इस तरह से मैं इस वीडियो फिल्म के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। सरकार एक तरफ से आधार पंजीकरण नंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण कहती है कि आधार पंजीकरण कराना जरूरी है। आज देखा जाए तो आधार पंजीकरण के लिए फॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है, तो गरीब जनता का हल क्या होगा? आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, चैनपुर विकास प्रखंड विकास पदाधिकारी को कॉल करके अविलंब दबाव बनाए। मोबाइल नंबर 0-75-49-50-94-30 पर कॉल करके अविलंब दबाव बनाए, ताकि आधार पंजीकरण फॉर्म प्रत्येक नागरिक को जो वंचित हैं उन्हें मिल सके। मैं अनिल गुड़िया, पलामू जिला, झारखंड, इंडिया, अनहट के लिए।